91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर जो जैविक खेती है उस पर, और उस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं परमेश्वर नारायण शिवपुरी और मैं हूं आपके साथ अनिल। तो दोस्तों, सबसे पहले परमेश्वर नारायण शिवपुरी का स्वागत है और धन्यवाद। नमस्कार। तो हम बात कर रहे हैं आपसे ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती पर। तो आज हम बात करेंगे जैविक खेती के सिलसिले में, जो जैविक खादे हैं वो और ये जो रासायनिक उर्वरक हैं या फिर रासायनिक खादे हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और दोनों में क्या खास फर्क है और जो हमारी खेती है उसके लिए क्या ज्यादा बेहतर है। तो जैसे हम आज के दौर में देख रहे हैं कि एक अच्छी उपज के लिए या फिर ज्यादा उर्वरक शक्ति के लिए हम कई बार जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल हम अपनी खेती में कर रहे हैं, तो ये जो रासायनिक उर्वरक हैं या फिर रासायनिक खादें हैं ये क्या हैं और ये किस तरह से हमारी खेती में काम करते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस चीज को हमें समझना है। रासायनिक खादें वे यौगिक हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, ये पानी में घुलनशील हैं और सिंचाई के अंदर घुल करके जमीन के अंदर चले भी जाते हैं, कभी कभी जड़ की गहराई से भी नीचे निकल जाते हैं, यानी कि फसल को कुछ मिला और कुछ नहीं मिला। दूसरी चीज, रासायनिक खादें जो हैं, ये जब रसायन हैं तो इनमें ह्यूमस नहीं होता। अब ह्यूमस क्या चीज है? वो सड़ती गलती जो जैविक खादें हैं उनमें जब जीवाणु काम करते हैं उनसे जो मिलकर के कार्बन यानी कोयले से बना हुआ जो अंश होता है वो मिलकर के जो कहलाता है ह्यूमस। ह्यूमस में एक अच्छाई क्या होती है कि ये अपने आयतन से 5 गुना पानी अवशोषण करके रोक सकता है जो कि फसल को मिल सकता है। दूसरे ह्यूमस को फायदा ये होता है कि ये मिट्टी के संग मिल करके पानी को ज्यादा अंदर गहराई में जाने नहीं देता है, तो ये एक विशेष बात है। जैविक खादों में हमेशा ह्यूमस होता है और रासायनिक खादों में ह्यूमस नहीं होता। तो जैसे आप ह्यूमस की बात कर रहे हैं कि ह्यूमस जो पानी को है वो नीचे ज्यादा गहराई तक जाने नहीं देता है, तो इसका क्या प्रभाव हमारे जो फसल है, जो हमारी बागवानी है, उसमें देखने को मिलता है? ह्यूमस की वजह से जैसे मैंने कहा कि अपने से 5 गुना पानी अवशोषित कर लेता है, इसके माने स्टोरेज हो गया और उसके संग जो हमारी जैविक खादे हैं वो धीमे धीमे जब खुलेंगी वो पौधे को धीमे धीमे मिलती रहती है। ये एक ह्यूमस का बहुत बड़ा गुण है। और तो सिंचाई भी का पानी नहीं बर्बाद हुआ और साथ ही साथ आपको कृषि की जो उपज है जो आपने लगा रखी है उसको भी धीमे धीमे मिलता रहता है। जैसे हम बात करते हैं जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो रासायनिक खादें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनका क्या अहम जो किरदार रहता है या फिर एक अहम भूमिका क्या रहती है उनकी? रासायनिक खादें नाम आप जानते ही होंगे, यूरिया। ये जमीन में जब डाली जाती हैं तो ये फसलों को ध्यान में रख करके उनके आधार पर अधिक हो गई तो गलत, कम रह गई तो गलत, इसलिए हर फसल के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके नाइट्रोजन की आवश्यकता है। यूरिया जो है नाइट्रोजन ज्यादा देता है, तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया उतना ही डालना पड़ता है। इसी तरह सुपर फॉस्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट, ये जो है फॉस्फोरस देते हैं। फॉस्फोरस दाना बनाने के काम के लिए, ये भी फसल के आधार के ऊपर चाहिए होता है। वो भी आपको पहले पता लगाना होगा कि जो ये फसल मैं लगा रहा हूँ इसको कितनी फॉस्फोरस की जरूरत है। इसी तरह म्यूरेट ऑफ पोटैश, अनेक रसायन हैं। धीमे धीमे अभी हम तत्वों की बात करेंगे, खाद के बारे में जब आपसे बातचीत डिटेल में आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये है क्या। हमने नाइट्रोजन जो नाम लिया, फॉस्फोरस जो नाम लिया, जो पोटाश नाम लिया, ये क्या है? ये है तत्व। जैसे मैं पहले कह चुका हूं ये हमारे हिंदू शास्त्रों के आधार पर 5 तत्व नहीं है, क्योंकि हमारे 5 तत्व जो है वो या तो मिश्रण है या यौगिक है। ये 5 तत्व आजकल के वैज्ञानिकों के आधार पर हैं। इनके अंदर हमारे को कोई भी फसल अच्छी निरोगी स्वस्थ पैदावार के लिए आवश्यक है कि उसको लगभग 30 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ तत्व हवा से मिलते हैं यौगिक रूप में, जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, ये गैस है या हवा में थी, वो मिलकर के हमारे को पानी बना, वो भी फसल को आवश्यक है। इसी तरह से नाइट्रोजन
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रस ऑक्साइड बिजली कड़कने में बनता है। इसी तरह से हमारे जो जमीन में नाइट्रोजन आ जाती है वो संश्लेषित होकर के सूर्य की किरणों से क्लोरोफिल के रूप में जमा होती है, पत्तियां बनती हैं। तो अभी हम पहले ये भी समझ लें कि कितने प्रकार के तत्व हमारी कृषि में आवश्यक है और कौन सबसे ज्यादा और कौन और कम। तो अभी मैंने आपको आकाश से बने हुए नाम लिए जिसमें मैंने आपको बताया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। फिर धरती के अंदर जो है वो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन, फास्फोरस और पोटाश की जरूरत होती है। हम कार्बन उसके अंदर नहीं दे पाते हैं रासायनिक खादों में, हम पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस दे देते हैं। तो मृदा से सबसे अधिक मात्रा में हमको जरूरत होती है कार्बन, फास्फोरस और पोटाश। उससे जरा कुछ कम के लिए जब हम देखें पौधा अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए, दाना अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए, उसमें हमें जरूरत होती है कैल्शियम, गंधक, मैग्नीशियम और मैंगनीज। और जरा कम मात्रा में बहुत चीज जरूरत जो होती है एल्युमिनियम, बोरोन, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मोलिब्डेनम, जस्ता। कई दफा गांव घर में कहते हैं कि केले में अगर फल नहीं आ रहा तो उसमें एक कील ठोक दो तो वो फल देगा। बात क्या है, कदाचित उस स्थान पर कम मात्रा में पाने वाला जो लोहा है वो नहीं है जमीन में, तो जब आप कील ठोक देते हैं तो जो नीचे से रस ऊपर चढ़ता है उसमें वो कील लोहे की बनी है, उसका घुल करके वो जो रस बनता है वो लोहे के संग का रस है, वो फल देने लग जाता है। तो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है किंतु हर चीज की आवश्यकता होती है। फिर ये इसके बारे में मैं जरा सा और आगे चर्चा में बताऊंगा कि कई दफा हमको ये जो कम मात्रा की चीजें हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं और कैसे मिल सकती हैं। सबसे कम किंतु बहुत आवश्यक जो चीजें हैं वो है कोबाल्ट, सेलेनियम, सिलिकॉन, सोडियम, क्रोमियम, टिटेनियम, वैनेडियम। इनके डालने से ही ज्यादा हमारा स्वस्थ पौधा हो जाएगा। अब कैसे जो सबसे कम मात्रा में चाहिए होते हैं उनको हम जब मैं आऊंगा जैविक कैसे दिया जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जैविक के लिए हम ये चीजें दे सकते हैं। ये नहीं कि इनको हमें बाजार से खरीद करके ही लगाना पड़ता है, हालांकि कुछ ऐसे भी हमारे जो जमीन में पाए जाने वाले तत्व हैं या यौगिक हैं वो हम जैविक कृषि में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों की और जैविक खादों की, तो जैविक खादों और रासायनिक उर्वरकों में जो एक खास तौर पर जो अंतर है वो किसी कृषक को या फिर किसी बागवान को क्या महसूस होगा और क्या इन दोनों से जो फर्क उसे महसूस होता है उससे उसकी जो बागवानी है वो किस तरीके से या फिर उसकी जो कृषि है वो किस तरीके से प्रभावित होगी? रासायनिक को अगर देखें और उसके बरखिलाफ जैविक को देखें, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैविक के अंदर ह्यूमस होता है और उसमें 5 गुना अपने आयतन से शोषण शक्ति होती है पानी की और वो धीमे धीमे रिलीज करता है। दूसरी चीज वो पानी को जमीन के अंदर रासायनिक के बरखिलाफ नीचे एकदम से घोल करके ले जाने नहीं देता बल्कि अपने पास ही रखने के कारण धीमे धीमे पौधे के लिए रिलीज करता रहता है। तीसरी चीज यह है कि उसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैदान के क्षेत्रों में जाएं, पहाड़ में तो नहीं किया जाता है क्योंकि वहां ठंडक ज्यादा होती है, वहां पर गांव के पास के खेतों में ज्यादा हरियाली आपको दिखेगी बनिस्बत दूर के खेतों में। क्यों? क्योंकि अब तो सरकार ने लोगों को शौचालय दे दिए हैं और आशा है कि लोग बाग उसको भंडार गृह न बना करके उसको शौचालय के रूप में प्रयोग करेंगे और एक कमी जो है वो भी पूरी हो जाएगी पानी की, ताकि उनकी सफाई भी हो सके। किंतु पहले लोग बाग वहां शौच के लिए बाहर ही जाते थे, उसमें भी एक के खेत में
या अंधेरे में गए, गांव के बाहर निकले, बैठ गए और वहां इतने जीवाणु होते थे कि दूसरे दिन वहां पर गर्मी और उमस के कारण वहां पर दूसरे दिन मिट्टी हो जाती थी, वहां पर टट्टी नहीं रह जाती थी और वही फिर खाद बन जाती थी और उसमें एंजाइम भी होता था। इसलिए वो वहां के गांव के बाहर पास के खेत में हमेशा बढ़िया खेती आपको दिखती थी और दूर में पहाड़ के अंदर टेम्परेचर कम है इसलिए लोग बाग वहां पर छोड़ देंगे अगर तो बहुत बहुत दिन तक पड़ी रहती है, इसलिए लोग बाग इसको पसंद नहीं करते हैं और ठीक भी है, जिसको कोई भी गंदगी में रहना नहीं पसंद करता और ना रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि रासायनिक खाद उस तुरंत बह जाने देती है, हमें बार बार सिर्फ फसल के हिसाब से बनानी पड़ती है। कार्बनिक खाद यानी जैविक कृषि जो है ये अगर अधिक भी हो गई तो नुकसान नहीं, इसमें ये अच्छा ही है। जी, तो जैसे जैविक खादों की अगर बात की जाए तो जैविक खाद किस तरीके से बनाई जाती है और जैविक खाद किसान किस तरीके से अपने खेतों में या फिर अपनी कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छे आपका प्रश्न है। तो पहले तो मैं आ जाऊं कि सिर्फ नत्रजन के नाम से, कि नत्रजन वो कितने प्रकार की जैविक खादें हो सकती हैं जो नत्रजन खेत में दे सकेंगी। एक हो गया दलहनी खादें, दलहनी खादों में जिसके अंदर हम कह सकते हैं चना, लोबिया, भट, उड़द, अल्फा अल्फा इत्यादि, ये सिफत होती है कि वो अपनी जड़ों के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, उनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो नत्रजन हवा से लेकर के जमीन में छोड़ देते हैं। ये दलहनी खादों की अच्छाई है। तो अगर नत्रजन बढ़ाना है तो फसल चक्र में इनको बीच में डाल दीजिए। इसके अलावा लोग बाग 29 पहाड़ में होता है, ये खेत के बीच में लगाया जाए, ये एक पेड़ है उतीस का, मुझे मालूम नहीं यहाँ पे ज्यादा पहाड़ में समझते हैं कि नहीं, इसकी जड़ें भी नत्रजन को जमीन में फिक्स करती हैं, यानी इकट्ठा करके देती हैं। तो उतीस के लिए ये बताया गया है कि एक आदमी की ऊंचाई पे उसको काट दिया जाए जब बड़ा हो जाए और बढ़ने दे और साल भर के बाद फिर मौसम में उसको फिर काट दिया जाए। तो इस तरह से आपको बराबर हर साल वो उसके अंदर से कुछ ईंधन जलावन भी मिल जाएगी और नीचे जमीन के अंदर से वो नत्रजन भी फिक्स करता रहेगा तो खेत भी आपका वो अधिक उपजाऊ हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि लगा देने के बाद जोत दी जा सकती है और जोत करके वो जमीन के अंदर मृदा के अंदर दब जाने के कारण सड़ के अगली फसल के लिए तैयारी कर देती है, जैसे भांग है या मक्का है या सूरजमुखी है या सरसों है, इनको लगा करके उनको जोत दिया जाता है, बहुत बड़ी नहीं जोत दिया जाता है और अगली फसल से लगभग लगभग 2 महीना पहले इनको जोत देना चाहिए ताकि इनको सड़ने, गलने और तैयार होने में, खाद बनने में, नाइट्रोजन फिक्स करने में समय मिल जाए। इसके अलावा एक नील हरित एल्गी होती है जो धान के लिए आवश्यक होती है, ये बाजार में मिल सकती है, ये रसायन नहीं है, एल्गी है और इसको एजोला नाम की एक और फंगस है, उसको मिला करके डालने से धान की खेती में ये बहुत अच्छी नाइट्रोजन फिक्स करने में सहायता देती है। ये आप समझिए कि लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये जमा कर दे सकती है। इसी तरह नीम की खली, इसमें कई फायदे हैं। नीम की खली में सिर्फ एक ये आपको नत्रजन ही नहीं देती बल्कि तमाम कीट रोधक भी है, कुरमुला को भी मारती है। इसमें एक अच्छाई क्या है, नीम की पत्ती हो चाहे नीम की खली हो, यह जो कीट है उसकी 4 अवस्थाएं हैं, जैसे प्रौढ़ जो है वो प्रजनन करने के लिए डिंब अंडे देता है, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर प्रौढ़ हो जाता है। हर कीट किसी विशेष अवस्था में ही नुकसानदेह होता है, कोई जरूरी नहीं कि हर अवस्था में नुकसानदेह हो। नीम की खली खा करके या उसके ऊपर पड़ने से या संसर्ग से उसके अगली स्टेज में जाना रुक जाता है। अगर मान लीजिए लार्वा बन गया है और लार्वा ने नीम की खली किसी पत्ती के संग मिला करके खा ली तो वो प्यूपा नहीं बन पाएगा, लार्वा ही हो करके मर जाएगा। इसी तरह प्रौढ़ है, उसने किसी जगह नीम की खली के संग मिलकर के किसी कीट ने खाया है तो वो फिर अंडे नहीं दे पाएगा। ये नीम की खली में विशेषता है, इसके साथ ही साथ कि वो नाइट्रोजन भी देती है।
तो इस तरह से हमारा निरोधी काम भी हो रहा है और हमारी नत्रजन भी मिल रही है। इसी तरह से बूचड़ खाना है, अगर मान लीजिए जहाँ पे जानवर काटे जाते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ का खून लेकर के भी नत्रजन आपको मिल सकती है। तो ये विभिन्न प्रकार के चीजों से हम नत्रजन की आपूर्ति धरती में करते हैं ताकि फसल को मिल सके। इसके अलावा फास्फोरस मैंने बताया था रासायनिक खादों के बारे में, तो फास्फोरस के लिए हड्डी का चूरा ये बहुत अच्छी चीज है। और ये कहा जाए कि अरे भाई ये क्या हड्डी के चूरे की बात कर रहे हैं, तो अकबर के समय में ही घाघ जी ने कहा था हड्डी के चूरे के बारे में कि ये बहुत अच्छी चीज है और इसको गोबर मैदा नीम की खली या से खेती दूनी फली, वही किसानों में है पूरा जो छोड़े हड्डी का चूरा। किंतु इस चीज के कहने के बावजूद मैं इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया था, उनको इसका वैज्ञानिक कारण नहीं मालता। हड्डी जो है वो फास्फोरस से बनती है, वो चाहे जानवर की हो चाहे मानव की हो, तो फास्फोरस हड्डी के चूरे में बहुत होता है, उसके डालने से आपको फास्फोरस की आपूर्ति हो जाती है। इसके अलावा मुर्गी चमगादड़ की जो पीठ है उसमें भी काफी आपको फास्फोरस मिल जाएगी। इनकी पीठ जमा करके कहीं चमगादड़ भी बहुत से लोगों के आसपास के इलाके में लटके रहते हैं, उनके नीचे गिरी हुई है वही समेट करके अपने खेत में इस्तेमाल करो, क्यों बाजार जाकर के फास्फोरस खरीद करके रासायनिक डालो। कई जगहों पर तो जैसे कृषि के साथ साथ पशुपालन या फिर मुर्गी पालन भी होता है, तो वहाँ पर वो मुर्गी की बीट इकट्ठा करके भी अपने खेतों में सही कह रहे हैं। बहुत ठीक कह रहे हैं, इसी के लिए मैंने शब्द मुर्गी की बात कही। और एक चीज और है, लकड़ी की राख में भी आपको फास्फोरस मिल जाएगी, क्योंकि तना फास्फोरस से ही बनता है, इसलिए जब उसकी राख बना दी जला लिया तो आप उसको फेंकिए मत, यहाँ तो हम उसको खेत में पहुंचाइए, वो भी फास्फोरस को पहुंचाएगी। समुद्र के पास के इलाकों की अगर मैं बात करूं, हालांकि हम तो उत्तराखंड में हैं, तो वहां पर समुद्री खर जो है, जैसे यहाँ पर तालों में आपने देखा होगा शैवाल होती है, नीचे से लता जैसी पतली पतली आती है, वो भी हमारे फास्फोरस देती है। कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको धरती से निकली हुई चीज ही देनी है जी, तो रॉक फास्फेट आप डाल सकते हैं, वो भी जैविक कृषि में माना जाता है, क्योंकि वो रसायन होते हुए भी धरती से निकला हुआ धरती में जाने वाली चीज है, एक नेचुरल रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स है, और वो बहुत धीमे धीमे गलता है, धीमे धीमे एब्जॉर्ब होता है पौधों में। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा चाहिए होती है वो है पोटाश, तो पोटाश को धान के पैरा की जो राख है उसको डालने से पोटाश का काम पूरा हो सकता है। कैल्शियम के लिए कॉपर सल्फेट, शंख या घोंघे की कवच, जो ऊपर का कवच है, उनको पीस करके डालने से कैल्शियम पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि मोटी मोटी चीजें इस तरह से आ जाती हैं। कम आवश्यक तत्व जो आप कह रहे हैं ये किस तरीके से, जैसे कुछ तत्व तो आपने बता दिए कि कुछ हमें जल से भी मिल जाते हैं और कुछ जो तत्व हैं वो हमें जो बिजली कड़कती है उससे भी, जो बारिश के दौरान में बिजली कड़कती है उससे भी मिल जाते हैं, तो और बाकी जो और कम आवश्यक तत्वों की जो आपूर्ति है वो किस तरीके से हमारी फसल को हो सकती है? मैं आपसे कह चुका हूँ कि किसी भी अच्छी फसल, किसी भी अच्छे भाग में अच्छी पैदावार के लिए कम से कम 30 तत्वों की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है, कुछ इसकी जड़ के लिए तत्व चाहिए, तो कुछ उसके तने के लिए तत्व चाहिए, कुछ उसकी डाल के लिए तत्व चाहिए, फसल में शायद डाल नहीं है, कुछ उसकी पत्ती के लिए तत्व चाहिए और कुछ उसके फल या सब्जी के लिए तत्व चाहिए। ये आप जानिए कि यह जो अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व है सब्जियों में काफी होते हैं, फलों में काफी होते हैं। अगर देखा जाए तो चोए, चोए माने चौलाई, इसमें 7 तत्व जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं वो होते हैं। सबसे ज्यादा मैंने जो कुछ भी अपने मेरे जानकारी में आया है चोए के अंदर है। इसी तरह जैसे मैंने आपसे केला का कहा था कि उसमें खील लगा दीजिए फल आ जाता है, क्यों? फल बनाने के लिए केले का उसमें लोहे की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है। संक्षेप में आ जाता हूँ कि सब्जियों को ले लें, उनको छोटा छोटा कतर लें, एक बड़े टब में, लोहे के नहीं, या तो प्लास्टिक का हो या चीनी मिट्टी का हो या ग्लास
यानी शीशे का हो, उसमें पत्ती रख लें, उसमें इतना पानी डालें ताकि पत्तियों उसके अंदर डूब जाए, दो दिन छोड़ दें। दो दिन छोड़ देने के बाद उसके अंदर ऑस्मोसिस एक प्रोसेस कहलाती है, जिसमें कि घने क्षेत्र से रसायन अपने आप कम घने क्षेत्र में आता है, यानी फलों में से, सब्जियों की पत्तियों में से, सब्जियों में से वो पानी के अंदर रसायन सब धीमे धीमे दो दिन में आ जाएंगे। इसके बाद आप उसी को निकाल लीजिए, जो पत्तियां हैं या आपके सब्जियां हैं, और उनको पीस लीजिए, मिक्सी के अंदर डाल के पीस लीजिए, और पीस देने के बाद फिर उसी पानी में डाल करके अच्छी तरह से हाथ से मसल दीजिए, फिर कपड़ छन करके अगर उस पानी को आप स्प्रे करेंगे तो आपके पास वे सारे तत्व हैं जो उन सब्जियों में और उन फलों में थे, तो आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं। मैं तो बल्कि यह कहता हूं, आजकल का कोई नौजवान अगर चाहे तो सब्जी मंडी जाकर के ठेका ले ले, मैं आपके यहां सफाई करूंगा। आम के आम गुठली के दाम लेगा, क्योंकि वो सफाई के पैसे भी लेगा और दूसरे जो उसको सब्जी उठा के लाएगा उससे वो रेयर एलिमेंट्स यानी कम मात्रा में आवश्यक तत्व पानी में बॉटल में भर के वो बेच लेगा और जो बच जाएगा उसको खाद के गड्ढे में जाके केचुए की खाद बना करके केचुआ खाद के रूप में पैसे से बेचेगा। जैसे अब आपने केंचुए की खाद के बारे में बात कर दी है, तो केंचुए की जो खाद होती है वो किस तरीके से बनती है और उसमें क्या क्या तत्व होते हैं, वो किसानों के लिए किस तरीके से जरूरी है? इसकी कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और कई इवेल्युएशन हो चुके हैं। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ संस्थाओं ने, एक तो रासायनिक खाद, दूसरे शहर के कचरे की खाद और तीसरी केंचुआ खाद का कम्पेयर किया, तो ये बिल्कुल स्पष्ट पाया गया है कि केचुआ खाद हर हाल में सबसे अच्छी है। इसके लिए ये अनेक तत्वों से मिलकर के बनती है, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, जो वनस्पति है वो 6 इंच डाली और उसके ऊपर हमने 3 इंच गोबर डाला और 3 इंच गोबर के ऊपर केचुए डाल दिए, तो केचुओं को गोबर अच्छा लगता है, वो गोबर खाने के साथ ही साथ वनस्पति भी खाते हैं और अपने एंजाइम को दे करके खाद भी बना देते हैं, क्योंकि उनकी पिष्टा जो है उसके ऊपर जीवाणु धड़ाधड़, एक तो वो सड़ाने कराने में भी काम आते हैं जीवाणु, और दूसरे उनकी पिष्टा को खाद के रूप में बदलने में काम आते हैं। सवाल ये उठता है कि केचुए कितना है? तो हमको तो 500 से ज्यादा तरीके की किस्म के केचुए, उनकी प्रजातियां बहुत सी हैं, कौन सी पसंद करें। आजकल भारत में कम से कम हमारे इस क्षेत्र में एसिनिया फेटिटा नाम की एक केचुआ है जो लगभग 4 इंच होता है और लाल रंग का है। ये अपने भार से कई गुना अपने जीवन काल में खा लेता है और उसको खाद बना देता है। तो इस तरह से सवाल उठता है कि केचुआ लगभग कितने होते होंगे एसिनिया फेटिटा, हम कैसे खरीदने जाएं? तो 2500 एक किलोग्राम में चढ़ेंगे। इसको हमें देखना है कि कुल ये 1 टन खाद के लिए काफी होंगे। अगर आपके पास जो वनस्पति है 1 टन है तो 2500 केचुए यानी 1 किलोग्राम केचुए आपके लिए काफी होंगे। वो ये विशेष रूप से केचुआ वैसे 3 प्रजातियां मोटी मोटी हैं। एक तो जो 3 इंच ऊपर नीचे चलती रहती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 6 से 9 इंच वनस्पति, फिर 3 इंच गोबर, फिर उसके बाद केचुआ डाल दीजिए, फिर वनस्पति, फिर गोबर, फिर केचुआ, फिर वनस्पति, फिर गोबर, फिर केचुआ करके, तो सवाल उठता है कितना बड़ा गड्ढा हो या ना हो। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया था तो मालूम हुआ, कहीं लोग बात कहते हैं कि इसको केचुआ की खाद के लिए जमीन की सतह के ऊपर बनाइए, किसी किसी किताब में लिखा था जमीन की सतह के नीचे बनाइए। मैं बड़े चक्कर में पड़ा कि भाई ये कहीं लिखते हैं जमीन के ऊपर बनाइए, कहीं लिखते हैं जमीन के नीचे बनाइए, तो ये क्यों? तो जब ध्यान दिया तो ये मालूम हुआ, केचुआ पहले समझो, केचुआ जो है एक बहुत ही नमी पसंद करने वाला, ह्यूमिडिटी यानी उमस पसंद करने वाला जीव है, किंतु इसको अगर ज्यादा पानी दे दें तो ये मर जाएगा। तो जिस क्षेत्रों में खूब पानी बरसता है वहां तो वो कहते हैं कि जमीन के नीचे मत बनाओ, नहीं तो वहां पानी जमा हो जाएगा, जब पानी जमा हो जाएगा तो मर जाएगा, वहां कहते हैं ऊपर बनाओ। जहां पे सूखा ज्यादा है वहां हवा लगेगी तो सूखा नहीं पसंद करता, उसको नमी पसंद चाहिए, तो उनका जमीन के नीचे बनाओ। तो
अब हमारे पहाड़ में क्या हो या मैदान में क्या हो, मैंने देखा कि 1:8 यानी 1:8 के अनुपात में सीमेंट और बालू का अगर हम गारा बना के उससे चिनाई करें पत्थर की, तो उसमें भरा हुआ पानी सब निकल जाएगा। वो सीमेंट इतना ठोस नहीं होता है कि वो पानी रोक पाए, क्योंकि बालू उसमें 8 गुनी है, तो गड्ढा खोदा नीचे और उसमें पत्थर की चिनाई 1:8 के गारे से कर दी, यानी 1 भाग सीमेंट लिया, 8 भाग बालू। अगर पानी बरस भी गया तो उसमें टिकेगा नहीं, धीमे धीमे रस जाएगा, पर इतना ही ऊपर से आपने उसमें ताड़ की पत्ती या कोई और चीजें ढक दी तो केंचुआ को अंधेरा भी पसंद है, तो वो जमीन के अंदर भी है तो वहां पे भी अंधेरा रहेगा, और ऊपर से पत्तियां पड़ी हैं या ताड़ की पत्ती पड़ी है, पाम की पत्ती पड़ी है, चौड़ी पत्तियां पड़ी हैं, इस वजह से उसको अंधेरा भी रहेगा। तो तापक्रम बस इतना ध्यान रखना पड़ता है केंचुए के लिए कि 50 डिग्री से ऊपर ना जाए, क्योंकि उसके बाद फिर जीवाणुओं के लिए और केंचुए दोनों के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो जैसे जो केंचुए से बनी हुई जो खाद होती है, इसमें क्या क्या खास तत्व मौजूद रहते हैं? केंचुए वाली खाद के अंदर आपको मैंने पहले निवेदन किया कि वनस्पति से बनी है, वनस्पति में 30 प्रकार के तत्व हैं, हर चीज उसके अंदर मौजूद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि केंचुआ खाद सिर्फ गड्ढे में ही नहीं बनाई जा सकती है, इसको हम कुछ और प्रकार से भी बनाते हैं। छिड़काव करने के लिए हम एक घड़ा लेते हैं, उसकी पेंदी में एक छेद कर दिया, छेद करने के बाद उसमें एक कपड़े की लतर बट करके ऊपर नीचे गांठ बांध करके वहां लगा दी ताकि पानी सीधे बह ना पाए, और उसके नीचे एक और घड़ा ले लिया, इस घड़े के अंदर भी एक छेद कर दिया और वैसे ही कपड़ा बट करके ऊपर नीचे गांठ बांध करके उसके अंदर कर दिया ताकि ऊपर अगर पानी भरे तो टपक टपक करके दूसरे घड़े में आए, और इसके अंदर जब भर जाए तो टपक टपक करके तीसरे घड़े में आ जाए। तीसरे घड़े में छेद नहीं किया, दूसरे घड़े में सबसे पहले बालू रख ली और बालू के ऊपर जैविक पदार्थ डाल दिए, वनस्पतिक पदार्थ डाल दिए, उनके ऊपर गोबर डाल दिया, उनके ऊपर केंचुए डाल दिए, और ऊपर अगर पानी डाला तो क्या होगा, ऊपर से पानी धीमे धीमे गिरेगा, और चूंकि घड़े में है इसलिए केंचुओं को अंधकार भी होगा, नमी भी मिलेगी, वो खाना शुरू कर देंगे गोबर और जैविक पदार्थ को, वनस्पति को, और वो घुड़ करके जब चट्टी करेंगे तो वो सड़ करके घुल करके तीसरे में जमा हो जाएगा जो सबसे नीचे घड़ा है। तो इसको मटका घोल खाद कहते हैं, और ये वही केचुआ खाद है एक प्रकार से, इसको स्प्रे करने के लिए, छिड़काव करने के लिए काम आता है, चाहे वनस्पति पे कर लीजिए और चाहे खेत में कर लीजिए, ये दोनों प्रकार से कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे एक भाई दक्षिण भारत में हैं, उन्होंने अमृत पानी नाम करके खाद तैयार करने का तरीका बताया है, और उन्होंने पंचगव्य दो प्रकार की चीजें बताई हैं। अमृत पानी के लिए कहेंगे कि दही ले लीजिए 1/4 किलो, शहद ले लीजिए 1/2 किलो, गोबर की खाद ले लीजिए 50 किलो, और पानी ले लीजिए 200 लीटर। इनको खूब अच्छी तरह से मिलाइए और खूब मिला करके इनको आप डालिएगा तो आपकी फसल के स्वस्थ होगी और उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। ये भी एक प्रकार की जैविक ही चीज है। पंचगव्य में जैसे हमारे यहाँ पंचगव्य बनता है, गौमूत्र ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, केला ले लीजिए, नारियल का पानी ले लीजिए, पानी और गुड़ ले लीजिए, इसको मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। मैंने स्वयं अभी इसका प्रयोग नहीं किया है, किंतु कहा जाता है कि इससे फसल बहुत स्वस्थ हो जाती। तो अभी हम बात कर रहे थे पंचगव्य और केंचुए से बनी हुई खाद के बारे में। आपने आज ही की बातचीत के दौरान में इस्तेमाल किया था कचरे की जो खाद होती है वो बना करके भी हम उसे भी जैविक खाद के बतौर इस्तेमाल कर सकते हैं। कचरे की खाद आखिर किस तरीके से बनाई जा सकती है? उसमें शहर के कचरे में वही है, आपने देखा होगा दो प्रकार अलग कर लिए जाते हैं, लोहा कांच वगैरह अलग, प्लास्टिक अलग, और वनस्पति अलग। तो वो वनस्पति का ले करके जैसे और जैविक खादें बनाई जाती हैं, केचुआ खाद या सड़ती गलती जैविक जीवाणुओं के काम करने से जो खाद बनती है वो कचरे की खाद इस तरह बना ली जाती है। और इसमें क्या खास तत्व तो रहते हैं जो हमारी फसल के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं? ये इस बात पर बहुत मुनस्सर करती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की चीज पा रहे हैं।
जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि सब्जी मंडी से लेकर के हम प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें स्वाभाविक है क्योंकि गोबर की खाद नहीं है जो कि केंचुआ खाद में है, पत्ती की खाद में है, ये सिर्फ सब्जियों की अधिकांश होगा, इस कारण उसमें इतना नाइट्रोजन नहीं होगा, फॉस्फोरस शायद कम होगा, किंतु अन्य तत्व आ जाते हैं। जो हमारी खाद है इसको जुताई करने के बाद उसको डाल करके पटेला करने का और जुताई करने का से खेत को अच्छी खाद मिल जाती है, उसके बाद बुआई करी जाए, या अगर बाग है तो बाग में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बड़े पेड़ के कम एक एक फुट दूर और खनपी यानी उस छाया यानी के उसके जहां तक पत्तियां हैं उस क्षेत्र में खाद डालकर डालनी चाहिए। अधिक अच्छा होगा यदि उसको पेड़ के तने से एक फुट दूर से लेकर के लगभग एक मीटर तक डाल के उसकी गुड़ाई और जुताई कर दी जाए। तो जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं जो तत्व हैं हमारी फसल के लिए या फिर हमारी जो कृषि है या फिर जो हमारी बागवानी है उसके लिए जो आवश्यक तत्व है उनमें हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस का आखिर क्या महत्व है हमारी फसल के लिए और ये किस तरीके से हमारी फसल को लाभ देता है? अच्छा सवाल है। फास्फोरस दाना बनाने के बहुत काम आता है और तमाम फलों के लिए भी आवश्यक है। फास्फोरस को पाने के लिए मैंने आपको हड्डी का चूरा वगैरह बताया था, इसके अलावा कुछ और जीवाणु भी हैं, ऐसे विज्ञान में अब पता लगाया गया है कि जिनकी वजह से मृदा में फास्फोरस में जो फास्फोरस रखी है ऑलरेडी पहले से किंतु वो फसल दे नहीं पाई, उसके लिए कुछ जीवाणु बनाए गए हैं जिनका के नाम रखा है फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग जीवाणु है। तो ये जीवाणु क्या हैं और किस तरीके से हमारे कृषकों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं? अगर इनको हम डालें फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म को तो लगभग 20-30% हमारा लाभ ये बढ़ा देते हैं। इसी तरह से एक और है वो मोबिलाइजिंग कवक है, वो फंगस है। इस फंगस का बाजार में आप जाएंगे तो माइक्रोहीजे करके वो आपको ये फंगस मिल जाएगा और ये मृदा से वनस्पति में फास्फोरस लेने में सहायक होते हैं। वैसे तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि खनिज के रूप में रॉक फास्फेट या ग्रेनाइट पाउडर या जिंक सल्फेट, जिंक यानी जस्ते की आवश्यकता को पूरी करते हैं। तो जैसे हम बात कर चुके हैं कि जैविक खादों के बारे में भी और कुछ रासायनिक उर्वरकों के बारे में भी, तो जो जैविक खाद हैं और जो रासायनिक उर्वरक हैं इनको अगर तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो हमारे जो कृषक हैं उनके लिए क्या ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है और क्यों? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, जैसा कि मेरे एक कैनेडियन दोस्त ने कहा था, जब मैं भीमताल में आके बसा था तो पहले तो मुझे कृषि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो रेडियो कृषि और मोबाइल टीम के इंचार्ज साहब के कथनानुसार, पंतनगर यूनिवर्सिटी के कथनानुसार मैंने यूरिया भी डाला, सुपर फास्फेट भी डाला, म्यूरेट ऑफ पोटैश भी डाला और उसकी वजह से पौधे तो लग गए मेरे बाग में, किंतु वो कमजोर रहे और कमजोर थे इसलिए उनमें जीवाणु भी उनने अटैक किया, बीमारियां आने लग गई, विषाणुओं ने अटैक किया, कवक ने अटैक किया, तो मुझे बताया गया ये जहर डालिए। मैं जहर डाल रहा था, एक कनेडियन दोस्त आए, उन्होंने कहा कि आप मिस्टर शुभ्रिया अभी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि ये को मारने के लिए दवा डाल रहा हूँ। कहा ये तो जहर है। मैंने कहा हाँ ये तो मुझे भी मालूम है कि तो आप अपना माल बाहर बेच देते हो। मैं कहा नहीं बाहर नहीं बेचता हूँ, मैं तो खुद ही खाता हूँ या दोस्तों में मित्रों में बांटता हूँ, रिश्तेदारों में दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा इसकी माने आप सबको कैंसर देने के चाहते हैं? मैं कहा क्या मतलब? क्योंकि हमारे देश में ये बैंड है। तब उन्होंने ये बताया रासायनिक खेती किसे कहते हैं और उसके बाद मुझे इसके अंदर रुचि बढ़ गई और मैंने रासायनिक खेती के बारे में पढ़ना शुरू किया। आप कभी भी मेरे बाग में आ जाइए, देखिए सब पेड़ स्वस्थ हैं। मैंने अब लगभग 25 साल से कोई भी रासायनिक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उर्वरक नहीं डाला है। तो पूरी तरह से एक जैविक खेती ही करता हूँ और सब स्वस्थ है। अब मैं सोचता हूँ मैं अपना पैसा क्यों फैक्ट्री मालिकों को जाके दूँ? मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, मेरे आसपास जब जैविक रूप में वही तत्व हैं तो उन्हीं तत्वों को मैं क्यों नहीं पुनः प्रयोग करूँ?
मेरे पास तो पत्ती है, उसको जो फल है, सब्जियां हैं, डंठल है, उनको, धान का पहरा है उसको, ईख की खोई है उसको, इनको जो मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि वही तत्व फिर लौट करके मेरी धरती में चले जाए, बाजार से खरीद के लाऊं या अपने आसपास के क्षेत्र से ही उन्हीं तत्वों को लौटाता रहूं, ये चीज ध्यान करने की है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जैविक कृषि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और धन के रूप में भी अच्छी है, और कहीं ना कहीं जो हमारी धरती है उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो बेहतर है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो जमीन धरती को बेहतर बनाती है, उर्वरा बनाती है, न कि सिर्फ फसल के को ध्यान में रख करके उतने ही डाला और रोक दिया। जी अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे जो जैविक खादें हैं हमारी, क्या इनको बागवानी के लिए और जो कृषि उपज हैं उनके लिए, फसलों के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर एक ही मात्रा में या फिर किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम जैविक खादें हैं इनकी भी हम एनालिसिस यानी विश्लेषण करवा सकते हैं कि हमारे इस वाली खाद में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटैश है, कितना कैल्शियम है, कितना अन्य तत्व है, इसकी एनालिसिस हमारी जो है दे करके करवाई जा सकती है। और उसके आधार पर पेड़ों को तो देखा जाता है कि कितने वर्ष का है, शुरू में कितना डालना, एक वर्ष के पेड़ को कितना चाहिए, दो वर्ष के पेड़ को कितना चाहिए, और उसकी आयु के आधार पर उनको बढ़ाया जाता है, और एक निश्चित आयु आ जाने के बाद ये कह दिया जाता है इतनी उर्वरक नहीं बल्कि जैविक खाद डालते रहिए। इसी तरह फसलों के लिए कोई चिंता नहीं है, जितना आप खेत में डालेंगे फसल आपको लाभकारी होती रहेगी, उसके अंदर ये नहीं कि आपका फसल को जला देगी। अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो गई और आपने जो फसल लगाई है उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो गई तो आपकी फसल खराब भी हो सकती है, जल भी सकती है, तो ये बात हमारी जैविक कृषि में नहीं है, ये सबसे अच्छाई की बात है। परमेश्वर नारायण शिवपुरी जी, अभी काफी बातचीत हम जैविक खादों पर और जैविक कृषि पर अभी हम कर चुके हैं, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई बात इसमें रह गई हो या छूट गई हो जो आप श्रोताओं के सामने रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं, आपका स्वागत है। मैं फिर दोहरा देना चाहूंगा, घाघ को कहते हैं गोबर राखी पाटी पावे फिर खेती से दाना पावे, इसी के साथ कहते हैं गोबर मैला नीम की खली या से खेती दूनी फली, वही किसानों में है पूरा जो छोड़े हड्डी का चूरा। ये चीज अगर हम ध्यान रखेंगे कि हमें जैविक कृषि करनी है तो मैं सोचता हूँ सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि जो हमारी समाज है, हमारा परिवार है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाएगा। परमेश्वर नारायण शिवपुरी, हमसे और हमारे श्रोताओं से इतनी सारी बातें और इतनी सारी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे राज्य में, कहने को तो हम कहते हैं कि हम जैविक कृषि राज्य हैं, किंतु ज्यादातर लोग बाग हमारे को जब कभी भी बताते हैं वही रासायनिक जहर डालने को बता देते हैं। आप ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपने किसान भाइयों के संग बैठ करके कुछ जैविक कृषि के बारे में बात कर सकूं। आपका धन्यवाद, हमारे श्रोताओं का धन्यवाद, नमस्कार। तो परमेश्वर नारायण शिवपुरी जी, आपसे बातें आगे भी जारी रहेंगी और अगले एपिसोड में फिर हम आपके साथ लेकर आएंगे इस कार्यक्रम को। तब तक के लिए मैं अनिल आप सभी श्रोताओं से विदा चाहूंगा, नमस्कार, खुदा हाफिज।